तो हेलो मेरे भाई लोग, यार कैसे हो सभी। मैं हूँ रिबेल और आप सभी देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल रिबेल गेमिंग। तो यार अभी एक चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, बिकॉज हमारे चैनल पे आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ लाइव स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो सब्सक्राइब करके ना मेरे भाई बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, आप लोगों के लिए बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। और गाइस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो हमारा रैंक सीज़न होता है, जैसा कि हम लोग रैंक पुश करते हैं उसमें, तो गाइस उसमें जो होता है ना बंदे लोग क्या करते हैं, हैकर के साथ खेल के ग्रैंड मास्टर जाते हैं और कुछ बंदे रात भर मेहनत करके जाते हैं। तो गाइस क्या आपको पता है यार, जो हैकर के साथ बंदे खेलते हैं ना, क्या उनकी आईडी बैन होती होगी? क्या आप रिपोर्ट करते हो उन पर? तो यार उनकी आईडी बैन होती होगी, कभी आपने सोचा है? तो गाइस इसी तरह के मतलब कुछ और सवालों के जवाब भी दूंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना अगर आपको नहीं पता है तो। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाइयों, और अगर आप भी हैकर के साथ खेलते हो तो यार सुन लो, ये वीडियो पूरा देख लो, वरना यार तुम्हारी आईडी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो वीडियो को देखना ज़रूरी बनता है। और एक बात मेरे भाई लोग, यार आप लोग में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स यार ज्वाइन रिक्वेस्ट पे ज्वाइन रिक्वेस्ट डालते हैं जब मैं ग्रुप में रहता हूँ, और यार मैं बिजी रहता हूँ दिन भर, यार देखो कभी मैं गेम खेलता हूँ फ्री टाइम पे और कभी कभार यार मेरी स्क्वाड फुल रहती है, तो आप लोग बहुत ज्वाइन रिक्वेस्ट डालते हो। और मैं सब्सक्राइबर्स के साथ तभी खेलता हूँ जब मेरा मूड रहता है, और देखो जब मैं खेलता हूँ तो क्या होता है। गाइस अभी आप लोग इसी वीडियो में देखना, ये जो दो सब्सक्राइबर्स हैं ये लोग ऑफलाइन चले जाएंगे, इसी वजह से मैं सब्सक्राइबर्स के साथ नहीं खेलता हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक की ओर। तो यार हैकर के साथ खेलने से क्या हमारी आईडी बैन होती है? तो गाइज जी हाँ, हमारी गाइज आईडी को बैन लग सकता है, बिकॉज गरीना ने यहाँ पे खुद से कहा गया है, यहाँ पे आप लोग खुद फोटो पे देख लो, बहुत सारे बंदे जो है ना गाइज वो बिना डरे हैकर के साथ खेलते हैं, और दूसरा तो यार अपने मतलब दोस्तों के कहने पर खेलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डिवाइसेस किस वजह से बैन हो रही है, तो यहाँ पे आप लोग खुद से देख सकते हो राइट साइड कॉर्नर में डाउन में कितने बंदों का आईडी बैन हुआ है, ठीक है। आप लोग खुद ही यहाँ पे देख सकते हो टोटल बंदों का जो अकाउंट बैन हुआ है वो है 14,762। तो गाइज आपकी भी आईडी बैन हो सकती है, वो भी परमानेंट बैन होती है गाइज, ठीक है। तो इसीलिए हैकर के साथ नहीं खेलना चाहिए, अगर हैवी रिपोर्ट पड़ गया तो तुम लोग तो भाई गए। और दूसरा ये मत सोचना कि रिपोर्ट नहीं पड़ेगा तो बैन नहीं होगा, आपका गेम प्ले अगर मतलब मान लो गेम प्ले पे तो नहीं देखा जाए, अगर एक भी रिपोर्ट पड़ता है बार बार, मान लो आप दो तीन गेम खेल रहे हो हैकर के साथ पुश कर रहे हो और उसमें से 100 गेम आपने मान लो हैकर के साथ खेला और उसमें से यार कम से कम 10 गेम में तुम्हें रिपोर्ट पर आता, तो तुम्हारी आईडी बैन होने के चांसेस है। तो इसीलिए गाइज हैकर के साथ मत खेला करो आप लोग, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है। और गाइज इन फ्यूचर जो हमारा रेयर रेयर बंडल है, क्या वो रिटर्न होगा या फिर क्या हमें फ्री फायर मैक्स के लॉन्च होने के बाद और भी कुछ न्यू चीज़ें देखने को मिलेंगी? मतलब जो फ्री फायर मैक्स है वो तो एक न्यू गेम है जो लॉन्च हो रहा है, तो गरीना को कुछ अच्छा करना चाहिए इस इवेंट में मेरे को लगता है, तो क्या वो हमारे कुछ रेयर बंडल्स को लाएगी? देखते हैं गाइज, वीडियो के साथ पूरा एंड तक बने रहना आप लोग। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइज मैं बता दूँ, अगला जो कोलेब्रेशन है वो वेनम के साथ होने वाला है, जो हमारा वेनम है जो डिंग 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 वाला वेनम, तो यार उसके साथ ही कोलेब्रेशन है, तो गाइज ओपी ओपी बंडल्स आएंगे, ठीक है। और दूसरी बात तो गाइज यार फ्री फायर मैक्स में आप लोगों को जो रिवॉर्ड्स मिलने हैं वो आप लोग को हमारे सेकंड चैनल की वीडियो में पता चल जाएगा, और ऑलरेडी उसमें बहुत बंदों ने देख लिया होगा, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी बात गाइज यार, और हमारा जो अभी दिवाली आ रहा है उसमें आप लोग को पता ही होगा, हर बार अभी तक तो 2 साल से दिवाली आई है लगातार, और उसमें एक मैजिक क्यूब हमें हमेशा से फ्री मिलता आया था, बट फ्रैगमेंट मिलते थे 50, और इस बार ही जब भी दिवाली आता था तो यार हमारे मैजिक क्यूब में ए न्यू बंडल्स को ऐड कर दिया जाता था, ठीक है गाइस। और दिवाली में जो सारा लक रॉयल है ना वो 10 डायमंड का हो जाता था, मतलब पर स्पिन 10 डायमंड का और 10 स्पिन 100 डायमंड का। तो आप लोग जल्दी से डायमंड भी कलेक्ट करना शुरू कर दो, क्या पता सच में वापस से ऐसा हो जाए, और जिनके पास भाई पैसा है वो तो भाई खुशी खुश हो जाएंगे। और लाइक सब्सक्राइब कर देना गाइज, और भी ऐसे वीडियोज़ आती रहेंगी, अभी तो इतना ही अपडेट था मेरे पास, तो आप लोग को मैंने बता दिया। और दूसरी बात गाइज, अगर आप लोग भी जीतना चाहते हो डायमंड्स तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोगों को, हमारे सेकंड चैनल के वीडियो में जाके कमेंट कर देना अपने यूआईडी के साथ, 2 बंदों को रिडीम कोड मिलेगा या फिर टॉप अप कर देंगे हम उनकी आईडी में। तो सारे बंदे जाओ जाके सब्सक्राइब कर लेना, और सभी बंदे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। हमारे चैनल पे बार बार बता रहा हूँ वीडियोज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगी आप लोग के लिए, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद ही होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना,
और जो भी सब्सक्राइबर्स बोलते हो कि खेल लो आप लोग खुद देख लो, यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स ने बैक कर दिया, उसकी वजह से देखो हमें डबल वेक्टर लेके खेलना पड़ रहा है और क्या ही हालत हो जाती है, मतलब बहुत गुस्सा आता है ना इस तरह से। तो सभी को दिल से लव यू मेरे भाइयों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, टाटा बाय।